दोस्तों, मैं हूँ करीम और आप देख रहे हैं करीम टेक्निकल माइंड। दोस्तों ये देखिए, मेरे पास एक गीजर का थर्मोस्टेट है जो कि पानी गर्म हो जाने पर ये कट कर देता है। तो इसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं, इसको आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इसको चेक करें कि ये पानी पे कट करेगा हीट होने पे, या फिर कट नहीं करेगा, या फिर ये सही है या फिर ख़राब है। तो इसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये आपका जो थर्मोस्टेट है ये ख़राब है या फिर सही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है कि आप इसको कंटिन्यूटी मोड पे लगाएं और लगाने के बाद इसको चेक करें कि ये पॉइंट बता रहा है कि नहीं बता रहा। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट है इसके, एक ये है और एक ये, मतलब ये समझ लीजिए कि ये पॉइंट है और दूसरा पॉइंट इसके अंदर से। तो हम इनके दोनों पॉइंट पर रखते हैं। चलिए देखिए यहाँ से रखते हैं, देखिए एक पॉइंट इस पर रखें और इसका एक ये है। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी बता रहा है, इसका मतलब ये अभी 50% सही है, 100% नहीं सही है, क्योंकि अभी हमें इसको ये चेक करना है कि ये कट करेगा कि नहीं कट करेगा। अब तो ये एक स्टेप हो गया दोस्तों, अब दूसरे स्टेप पे कैसे चेक करेंगे कि ये पानी गर्म होने पे कट करेगा कि नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कि ये जो राड इसका निकला हुआ है ना, तो ये जो राड निकला हुआ है इसको हम करेंगे हीट। इसको जब हम देंगे हीट तो दोस्तों क्या होगा कि ये हीट पाते ही धीरे 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 क्या होगा कि गर्म होगा, और गर्म होते ही ये कट ऑफ कर देगा, मतलब कि ये कंटिन्यूटी बताना छोड़ देगा, जिससे कि हम मानेंगे कि हाँ ये 100% सही है, तभी आपका पानी गर्म हो जाने के बाद ये कट करेगा। तो चलिए उसको हीट देने के लिए, देखिए मेरे पास ये ब्रो लैम्प है दोस्तों। तो आप किसी भी जगह से किसी भी चीज़ से इसको आग से इसको गर्म कर सकते हैं, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं इससे गर्म करता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं इस ब्लू लैम्प से इसको हीट करूँगा। पहले देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, और जैसे मैं इसको हीट कर दूँगा तो फिर ये कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाएगी इसके। देखिए यहाँ पे, देखिए ये कंटिन्यूटी बता रहा है, और जैसे ही मैं इसको हीट करूँगा तो ये कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको अब चेक करते हैं। पहले इसको जला लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आग जल चुकी है, अब इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। अब इसको सबसे पहले हम लोग इसके दोनों पॉइंट पर लगा लेते हैं, और लगाने के बाद इसको सीधा इसमें लगाते हैं, देखते हैं। देखिए अभी बता रहा है ना, अभी ये कट करेगा बीच में। देखिए इसको हम लोग हीट दे रहे हैं दोस्तों, देखिए कट कर दिया। देखिए इसने इसको कट कर दिया, अभी देखिए इसने इसको कट कर दिया, यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, और देखिए कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये इसको हम कर देते हैं बंद, इसको साइड करते हैं, और अभी हम इसको इस पर लगाए रहते हैं, देखते हैं कब कट। देखिए कंटिन्यूटी दे दिया दोस्तों, इसने इसको कंटिन्यूटी दे दिया, इसका मतलब है कि ये ऑन और ऑफ हीटर को कर देगा, मतलब कि एलिमेंट को ऑन और ऑफ ये कर सकता है अभी, इसका मतलब कि ये सही है। तो इस तरीके से है हम लोग इसको हीट दे करके ये चेक कर लेंगे कि ये कट कर रहा है कि नहीं, फिर उसके बाद थोड़ा सा रुक करके ये चेक कर लेंगे कि दोबारा कट करने के बाद ये ऑन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों चीज़ों देखे, दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखा हमने कि ये कट भी किया और कट करने के बाद फिर दोबारा ये ऑन भी हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों कि ये जो हमारे पास ये गीजर का जो थर्मोस्टेट है, ये थर्मोस्टेट 100% सही है। तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं कि आपका थर्मोस्टेट सही है या फिर ख़राब है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आगे वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।